इसके अंदर मैंने कमिटमेंट कही थी कि अपनी मम्मा को आईफोन दूंगा, 6 महीने के अंदर मैंने मम्मा को आईफोन दिया। ठीक 1 साल बाद मैंने अपने पापा को 1.5 लाख रुपए की बाइक दी, और ठीक आज से ही कमिटमेंट कर रहा हूँ 2 साल के अंदर अपने पापा को फिर से अगेन 14 लाख रुपए की टॉप वर्ना कार गिफ्ट। क्या बात है, डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ी बात है, राइट, कि एक 18 साल का लड़का, जिस उम्र में बच्चे ये सोचते हैं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, क्या करें, अपना टाइम पास करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें एक 18 साल का लड़का आज इतनी सारी अचीवमेंट कर चुका है और एवरेज इनकम 30,000 से 35,000 रुपए महीने से ले रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्हें देख के मैं एक ही बात कह सकता हूँ और आप सबको देख के एक बात कह सकता हूँ कि मेरा देश बदल रहा है। थैंक यू सर। बदल रहा है आज, युवा बदल रहा है आज। आप, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, बच्चों की जिंदगी पबजी में निकल रही है और हमारे बच्चों की जिंदगी अपने सपने पूरे करने में निकली। माय डियर फ्रेंड्स, ये पावर है इस बिजनेस की। जिस उम्र में हम लोग वेस्टीज में आए, मुझे ऐसा लगता है मैं 21 साल में वेस्टीज में आया, आज 21 साल की उम्र तक शायद ये रिटायर कर चुके होंगे अपने। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइज। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट धर्मेंद्र जी, और यहाँ पे सब लोगों को एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए धर्मेंद्र जी से कि अगर एक स्टूडेंट, एक 18 साल का लड़का ये कर सकता है अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। सवाल ये अपने आप से करना है। चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी, हर जो सोच सकते हो बुरे से बुरा वो होगा, पर जीतेगा वही जो टिकेगा, क्योंकि जो टिक गया वो बिक गया। कि मैं प्लान देने जाता तो किसी ने पीछे ठोक दिया, ये पूरी चोट लगी पड़ी थी, फिर मैंने क्या क्या पट्टी करवाई, जेब में दोनों हाथ थे, हैंड मैंने बाहर निकले और मैं पूरी मीटिंग ओपनली मैंने करी। इनके सपने ज्यादा थे कि इन्होंने मीटिंग करी एक्सीडेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि फोकस था कि मुझे मीटिंग से पैसा आएगा। 18 साल की उम्र में पापा को 1.5 लाख की बाइक, 36 का मम्मी को दिया, कितनी बड़ी सोच है। ये पावर देती वेस्टीज आपको, आप सब लोग कर सकते हो। और सर ने वादा किया कि 15 लाख रुपए की गाड़ी दूंगा, एक 18 साल का बच्चा सोच सकता है। आप तो बड़े यार। यस सर, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां धर्मेंद्र जी के लिए।